करेली से किशोरी से घर में घुसकर दुराचार किया गया। पीड़िता के भाई की आरोपियों ने जमकर पिटाई की। मौके पर कपड़े और मोबाइल छोड़कर एक आरोपी जो है वो भाग गया। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। शीशगढ़ थाना इलाके के बदनापुर गांव की घटना है। तो देख सकते हैं, एक तो दुराचार किया गया लड़की के साथ, दूसरी तरफ जब भाई ने विरोध किया तो भाई को पीटा गया। तो इंसानियत आजकल कहाँ रह गई है। और दूसरी चीज ये है, आजकल डर भी बिल्कुल खत्म हो गया है लोगों के अंदर से, बदमाशों के अंदर से, तभी तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। बरेली से बड़ी खबर आ रही है, आरोपियों के खिलाफ जो है केस दर्ज हो गया है। दीपक हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, अभी फिलहाल किस तरह की स्थिति है, क्या कुछ सामने आ रहा है इस पूरे मसले के अंदर? देखिए, मैं आपको बता दूं, शीशगढ़ थाना क्षेत्र का मामला है जहां पर ये किशोरी रहती थी। किशोरी के साथ उसकी छोटी बहन और उसका भाई रहता था। भाई मेला देखने गया हुआ था। देर रात की घटना है कि मौके का फायदा उठाकर दो लोग उसके पीड़िता के घर में घुस जाते हैं। एक आरोपी उसकी छोटी बहन को कब्जे में किया रहता है और दूसरा आरोपी उसकी बड़ी बहन के साथ बलात्कार दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है। इतनी जब ये वारदात हो रही होती, छीना झपटी हो रही होती, इतनी देर में भाई मेला देखकर वापस आ जाता है। जब उसे माजरा देखते ही उसे समझने में देर नहीं लगती और वह इस बात का विरोध करता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। तभी दोनों जो आरोपी होते हैं वो पकड़ के उसके भाई की जमकर पिटाई करते हैं। मौके पर किशोरी और छोटी बहन जब बचाने की कोशिश करती है तो उनके साथ भी हाथापाई की जाती है। और जब आरोपी देखते हैं कि पड़ोस के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जुट रहे हैं, तो वह सिर्फ अपना मोबाइल और कपड़े छोड़कर वहां से फरार हो जाता है। तमाम लोग इकट्ठे होने के बावजूद विरोध करते हैं। पीड़िता और उसके भाई को लेकर थाने जाते हैं और थाने में शिकायत दर्ज करने के बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस को फिलहाल अभी तलाश है, फिलहाल आरोपी मौके से फरार है। जी जी। और चलिए, जैसे कि आपने बताया मुकदमा तो दर्ज हो गया है, लेकिन पुलिस क्या कुछ कह रही है कि इस तरह की घटनाएं जो हैं क्यों हो रही हैं और उनकी रोकथाम के लिए क्या किया जाएगा ताकि आगे तो ना हो कम से कम इस तरह की घटनाएं, रोज ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए, बड़ी शर्मनाक घटना है कि लगातार वारदात की, रेप की वारदातें निकलकर सामने आती रहती हैं। पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं ऐसा माहौल नहीं होता हुआ, ऐसा दिन नहीं जाता हुआ जहां रेप की वारदात ना होती हो। मगर पुलिस की बाने तो पुलिस के जब आला अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि घटना हुई है, घटना होना वाजिब है और घटना के बाद आरोपी की गिरफ्तारी की जा रही है, अवेयरनेस और जागरूकता फैलाई जाए जिसके दौरान की लोग जागें और जिस तरह से तरह की घटनाओं को अवॉइड किया जा सके, जिसको इनकार किया जा सके, जिससे कि ये घटनाएं अब लगातार ना हो। जी दीपक, हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी हम अपडेट लेंगे इस बारे में। और एक और बड़ी खबर बरेली से, प्रेमी ने प्रेमिका के पति को चाकू से गोदा। प्रेमिका के पति की हालत गंभीर है, जिला हॉस्पिटल में भर्ती है। पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में लिया। नवाबगंज थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, प्रेमी ने प्रेमिका के पति को चाकू से गोदा। दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि प्रेमिका की हालत कैसी है इस वक्त? मैं आपको बता दूं, ये प्रेमी और प्रेमिका का मामला था, ये नवाबगंज थाना क्षेत्र का मामला था। जो प्रेमिका का पति था वो मेला देखने गया हुआ था। मेला देखकर जब वो वापस आया तो उसने जो घर का सीन देखा, प्रेमिका अपने प्रेमी की बाहों में थी, उसको देखकर एकदम पति जो आग बबूला हो गया। जब इस बात का उसने विरोध किया तो प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर पहले पति की जमकर पिटाई की। इससे भी जब मन नहीं भरा तो प्रेमी ने प्रेमिका के पति को चाकू से गोद दिया। चाकू से गोदने का प्रेमी वहां से फरार हो जाता है। जब आनंद फानंद में घटना उसके घर वालों को पता चलती है प्रेमिका के पति के, तो तमाम लोग इकट्ठे जाते हैं और आरोपी प्रेमी के खिलाफ थाना नवाबगंज में शिकायत करते हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस प्रेमी को हिरासत में ले लेती है। मगर जो पति होता है उसकी हालत काफी गंभीर होती है, उसे उठाकर जिला अस्पताल बरेली भर्ती कराया जाता है, जहां पर अभी भी डॉक्टरों से बात करने की कोशिश की तो डॉक्टर ने बताया कि पति की हालत गंभीर है, फिलहाल अभी खतरे में है पति। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी देने के लिए।